पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान आज कोर कमेटी के इजलास में कुछ अहम फैसले करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था सितंबर सितंबर होगा, 15 दिन बड़े अहम हैं, हमने 15 अक्टूबर का टाइम दिया है जिसमें से 45 दिन में से 15 दिन गुजर गए हैं। मुमकिन है कि 15 दिन में कोई पस पर्दा मुफाहमती फार्मूला हो जो कामयाब हो जाए, अगर नाकाम हुआ तो फिर इमरान खान कॉल देंगे। इमरान खान की कोशिश है कि हालात ब्यूरोक्रेटिक की तरफ ना जाएं बल्कि इलेक्शन की तरफ जाएं। उन्होंने कहा कि नून लीग के चेहरों पर बुखलाहट बता रही है कि वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, गेम में कोई हलचल है। बिलावल जो शहबाज के साथ जहाज में बैठ कर गया ही नहीं, तानियाती का कोई मसला है जो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ और नून लीग के दरमियान है। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग की पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि शहबाज शरीफ नालायक ना अहल है, बेड़ा गर्क कर दिया और मईशत नहीं संभाल सका। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग की हकीकी रियासत कह रही है कि मैं गैस के बिलों बिजली के बिलों के साथ नहीं हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी भी जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, कुछ मजहबी इंतहा पसंद इमरान खान की जान के पीछे भी पड़े हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं और जो बाहर है वो कब्र में नहीं।